हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ रुपए करेंगे यूपी में निवेश। खबर है कि लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इस दौरान अंबानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों के अंदर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको बता दें कि अंबानी के इस निवेश से लगभग 1 लाख रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। वीडियो गेम खेलने से होमवर्क से दूर होते हैं बच्चे, इससे मानसिक विकास का दावा गलत। स्टडी में दावा किया गया है कि ज्यादा वीडियो गेम खेलने से बच्चे होमवर्क से दूर हो जाते हैं, और इसके साथ ही स्टडी में उन पुराने दावों को भी गलत बताया गया है जिनमें कहा गया था कि वीडियो गेम खेलने से बच्चे का दिमागी विकास होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो गेम की लत बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। यूपी के सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में IIM बनाने की लोकसभा में उठाई मांग। भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM बनाने की लोकसभा में मांग उठाई है। सांसद ने कहा कि गोरखपुर शिक्षा, परिवहन, व्यापार व पर्यटन का बड़ा केंद्र है। देश के बड़े शहरों में गोरखपुर का नाम आता है। आपको बता दें कि सांसद द्वारा नियम 377 के तहत ये मांग उठाई गई है। MSCI ने अदानी ग्रुप के 4 शेयरों का घटाया वेटेज, इंडेक्स में शामिल रहेंगे शेयर। अमेरिकी कंपनी MSCI की तिमाही समीक्षा के बाद अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स इंडेक्स में बने हुए हैं। हालांकि MSCI ने फ्री फ्लोट रिव्यू के बाद 4 कंपनियों के शेयरों में वेटेज को घटा दिया है। इनमें अदानी एंटरप्राइजेज, टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC शामिल है। ग्रुप की बाकी कंपनियों के फ्री फ्लोट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत में खाली पड़े हैं अर्धसैनिक बलों में 83,000 पद। भारत में अर्धसैनिक बलों के 83,000 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा CRPF में 29,283 पद रिक्त हैं, जिनमें 278 जीओ और बाकी अन्य अधिकारियों के पद खाली हैं। बाकी BSF में 19,987 और CISF में 19,475 पदों पर बहाली होनी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है। भारत के सबसे असुरक्षित राज्यों में हरियाणा, महिला अपराध 27% बढ़े। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्य को 100 में से 33.04 अंक मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा राज्य हत्या, महिला अपराध, सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामलों में नंबर 1 रहा। यहां साल भर में महिला अपराध 27% बढ़े हैं। दूध के बाद महंगी हुई दाल, कीमतों में 100 रुपए का हुआ इजाफा। अरहर दाल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इंदौर स्थित संयोगिता गंज अनाज मंडी में अरहर दाल की कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। दाल के महंगा होने से आम लोगों का बजट डगमगा गया है। मूंगफली तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। मूंगफली का तेल 10 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।